बिल्लो हत्थां टिल्ले आंदा की करेंगी नी तैनू गुस्से विच वेख मैनू हासा आवे क्यों हो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो मेरे पाकिस्तानियों ये देखो गरीब है भूखा मरता किसी ने खिलाना नहीं पर आपने घबराना नहीं आपने घबराना नहीं। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन आज एक आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ आसिम मौजूद हैं जो उभरते हुए रॉक स्टार है। वो किसी भी सिचुएशन पर ऐसा खूबसूरत रैप सुना देती हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। आसिम बहुत शुक्रिया टाइम का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपने एक रैप लिखा जिसमें आपके दोस्त को कुट पड़ती है एक लड़की से, एक लड़की को मोहब्बत का इजहार करती है लेकिन वो जो जवाब आता है तो वो बड़ा दर्दनाक आता है, तो वो ज़रा रैप तो सुनाइए। बिल्लो हत्थां टिल्ले आंदा की करेंगी सुके सुके टिल्ले आंदा की करेंगी बिल्लो हत्थां टिल्ले आंदा की करेंगी नी तैनू गुस्से विच वेख मैनू हासा आवे क्यों हो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो काला शूज पावे जदों लत्त होंदी बहुत वजे बुल मैं ते दोवें पड़वाए सी मारी ऐसी लत मेरा सिर गया फट मैं ते यारा टांके सिर च लवाए सी वड्डियां लड़ाकुआं दी बन गई सी मां बस अल्लाह ही बचावे ओदे जई रन तो हो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो काली सी सुजुकी ओदी हुंडा मेरा टिप टॉप हुंडा ला लिया सुजुकी नाल सी मैं ओनू कहा मेरी GF बनेगी साली गुस्से विच आके होगी लाल सी चुक ओने इट मैनू मारी लक विच मेरे तोते गैसी उडे ओंदी पहली चंड तो हो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो ओ जदों उठना वा सोके मेरे उड़दे ने तोते दस भी ना सकां जिथे मारी लत सी 18-19 वी कुड़ी इंज पड़की पड़क दी जावे जिवें कोई अग जी अग तो ख्याल आया ओदे हथ दा निकले सी सेके मेरे खब्बे कन तो हो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो काले जे वांस नाल कुट गी कुड़ी दर्द नी जांदी मेरे अंग अंग तो क्या बात है, ज़बरदस्त नाज़िन, ये बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कोई उधार लेने जाता है तो उसके ऊपर भी आपने एक रैप लिखा था, वो क्या था? जी वो भी मेरे ना एक मोहल्ले में स्टोर है, तो एक आंटी आई कि मुझे थोड़ा सा उधार चाहिए कि मेरे हस्बैंड रात को आएंगे और मैं आपको पैसे दे दूँगी। पर उसने कहा कि खान साहब की हुकूमत चल रही है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं उधार कर सकूं, पहले ही मेरा खान साहब की हुकूमत आ चुकी है। हाँ जी, ये खान साहब की हुकूमत में ही हुआ है कि जितनी इधर महंगाई हो चुकी है, कोई बंदा भी वैसे अब उधार लेने वाले देने वाले हालात ही नहीं है किसी के। तो वो कहता कि मैं रोज़ लाता हूँ, रोज़ बेचता हूँ, अब मेरे उतना नहीं है कि पहले मैं उधार कर करके कस्टमर ले जाता है, पर वापसी पैसे देने के लिए फिर कस्टमर भी ख़राब होता है और पैसे भी नहीं मिलते, तो इसलिए मैं अब उधार नहीं दे सकता। तो औरत फिर शर्मिंदा होकर वापस चली गई, तो मैं देख रहा था तो उस मेरे जहन में आया कि मैं इस पर भी कुछ लिखूँ जो वाम को फ़नी लगे, वाम हंसे इस पर, तो इस पर मैंने एक सॉन्ग किया। हो कोई नार जे उधार मेरे नाल कर दी मैं ते दस दे ना सौदा बाजी मुल विकदा इत्थे उधार लैण वाले तां जे निकले बड़े
पैसे देने वारी नहीं जी कोई दिस दे। अम्मा एक मेरे नाल उदार कर गई, मैं लब लब थक गया लभी ना कदे, उंदे घर भी मैं गया कहिंदे इत्थू छड गई, दसांगे जरूर सानू लभी तां कदे। उदार लैने वालियां तां मिलन किते, पैसे देने वालियां ना मिलन किते, मैं लब लब हार गया ओ आंटी। खाता लम्मा चौड़ा अम्मा दे उधार दा, दुकान खाली करेगी जे थोड़े वीर दी, तोड़ पैंदी बाइकी उत्ते कौन बैठूगी, अलड़ां दी अख जांदी शीशे चीर दी, हाले तक दिता नहीं किराया दुकान दा, सोच सोच सिर नूं भी चढ़ी पीड़ जी। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत आई, आपने पीटीआई की हुकूमत को वेलकम किया, एक तो खान साहब का जो फिक्रा घबराना नहीं उस पर भी आपने बनाया है, और एक इससे पहले जब हुकूमत बनी है ठीक है उस पर भी आपने एक नया रैप लिखा था, वो दोनों सुनाइए ज़रा जी। हुकूमत बनने से पहले खान साहब का सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था जलसे जुलूसों में, कि जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान, तो बहुत वादे किए इन्होंने कि मैं नौकरियाँ दूंगा नौजवानों को, घर दूंगा, कितनों को नौकरियाँ नौजवानों को दूंगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। पहले जो डेली वेजेस पे कर रहे थे उनमें से भी काफ़ी को इन्होंने निकाल दिया, तो वो गरीब का अब बहुत मुश्किल हो चुका गुजारा। तो इनका यही सॉन्ग मैंने किया, देखो आया है इमरान, करो सारे त्यान, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान, बल्ले ने कहा था नया मुल्क बनाएंगे, गरीब को तो हम रोजगार भी दिलाएंगे, कारो बार च होया नुकसान, वेला फिरे जी सारी अवाम, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान। पार्टी तो बनी है जहरीली इमरान की, देखो कैसी आई तब्दीली इमरान की, पैड़े कम्मा ते लग गया जवान, सिर फाड़ के रोवे अवाम, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान। अच्छा, जब पाकिस्तान बन गया तो वज़ीर आज़म साहब कहते रहे अभी 2.5 साल हो गया कि घबराना नहीं घबराना नहीं, तो ये घबराना नहीं पे आपने क्या लिखा है जी? इस पे भी मैंने एक अपना रैप सॉन्ग किया। मेरे पाकिस्तानियों ये देखो, गरीब है भूखा मरता किसी ने खिलाना नहीं, पर आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। मेरे पाकिस्तानियों ये सुन लो, मुल्क तो डूब रहा है किसी ने बचाना नहीं, पर आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। यहाँ लीडर कहें घबराना नहीं है कोरोना और काम पे जाना नहीं, लात ऐसे हैं मेरी तो जेब भी है खाली, अब क्या बच्चों से कहें कि खाना खाना नहीं, पर आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। मेरा काम किया बंद अब मैं क्या करूंगा, लात ऐसे हैं लगता है भूखा मरूंगा, मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तो इनके लिए अब मारूंगा मरूंगा, पर ये नहीं समझेंगे इनका क्या जाता है, इनके तो खातों में अरबों से आता है, बच्चा तो इनका हाँ सोने का खाता है, पर मेरा बच्चा अब मांग के लाता, यहाँ चोर सारे इकट्ठे हुए चोरी करेंगे, चोरी करने से इन्होंने बाज आना नहीं, और हमसे कहें घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। मेरे पाकिस्तानियों ये सुन लो, मुल्क तो डूब रहा है किसी ने बचाना नहीं, पर आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। मेरे पाकिस्तानियों ये देखो, गरीब है भूखा मरता किसी ने बचाना नहीं, पर आपने
घबराना नहीं, आपने घबराना। आसिम भाई अभी तक तो हम घबरा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा ये जो आमद होती है ये कहाँ से इतना टैलेंट आया, करते क्या आप? जी मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा। तो मैं शुरू से म्यूज़िक का शौक़ था, स्कूल में जाना तो मेरे दोस्तों ने मुझसे गाने वगैरह सुनने, तो मैंने कोई भी सॉन्ग मैं एक दफ़ा सुनता था तो मुझे याद हो जाता था। तो मुझे पढ़ने का भी शौक़ था, पर घर के हालात ऐसे थे कि मुझे आगे मैट्रिक के बाद मुझसे अपनी एजुकेशन आगे जारी नहीं रखी जा सकी। तो बाद में अब मैंने रिक्शा शुरू कर दिया घर के वसाइल देख के। तो अब मैं लिख तो लेता हूँ पर मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं उससे आगे रिकॉर्ड कर सकूँ। प्लेटफार्म नहीं है आपके? प्लेटफार्म नहीं है। मैं, मेरा दिल कहता है कि मैं दुनिया में सबसे जल्दी सॉन्ग लिख सकता हूँ, पोइट्री कर सकता हूँ, इतना मेरे अल्लाह पाक ने मुझे टैलेंट दिया। पर पाकिस्तान में इस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है। अब काफ़ी मेरे इंटरव्यू भी हो चुके हैं पर मुझे एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। किसी भी सिचुएशन पे आप कह रहे हैं कब लिख सकते हैं, पीडीएम के ऊपर आपने लिखा है, पीडीएम पे लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई, जैसे ये पार्क में हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग सैर व तफरी कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं अभी अभी? हाँ, मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा चाहिए तो मैं इस पर भी कुछ ना कुछ लिख दूँगा। जो माहौल है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, ट्रैफिक चल रही है, आवाम रेस्ट करने के लिए बाहर आई है ताज़ा हवा खानी, तो इस पर भी मैं पोइट्री कर सकता हूँ। इस पर भी आप कर लेंगे, पीडीएम वाला सुना दें ज़रा। पीडीएम पे मैंने एक लिखा हुआ है कि डाकुआं दे पुत्तर ने दूरों तक हुए गल्लां करन कर देनी कख होए, माड़े दाते इत्थे मरदा जे हक होए, मुलक दा इन्ना छड्डिया नी कख होए, नून लीग लुट के मासूम बन गई, पीटीआई ओदे तो मासूम बन गई, मैनू तां ए तीर वी अजाब लगदा, हर पार्टी दी जे इत्थे वारी लगदी, लुट्टण वाली सारे कर दे आखीर जी, तोड़ पैंदी बाइक उत्ते कौन बैठूगी, अलड़ां दी अख जांदी शीशे चीर दी, रांझे आवे कर गई तू हीला कार दा, गुड़ी जे मुहब्बत तू चोना हीर दी, चोरी हो जे इत्थे तां कोई वड्डी गल नहीं, चोरां दे हक च कानून चलदा, डाकुआं दे कोले इत्थे वादू पैसा ए, जालमां नूं डर नहीं किसे वी गल दा, नोट कड्डो जेब चों गुलाबी रंग दे, फांसी भी हो जू इत्थे माफ सजना, इज्जतां लुट के पैसा मारे बड़कां, माड़े दी ना सुने कोई आवाज़ सजना, जिस दिन उत्ते जाके पेश होणगे, उत्ते 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 जाके पेश होणगे, अग तां उत्थे दी हड्डियां वी चीर दी, रांझे आवे कर गी तू हीला कार दा, गुड़ी जे मुहब्बत तू चोना हीर दी। ये तो आपने जो गाए हुए सॉन्ग्स हैं उसके ऊपर आपने रैप बनाए हैं अपनी अपने शायरी की, कुछ अपने से भी आपने बनाया है जो किसी का गाया हुआ ना हो? जी, ये पहले जो मैंने सॉन्ग जो किया था आपने घबराना नहीं है, ये भी मैंने किया। उसके बाद मैंने अपने बहुत से रैप सॉन्ग किए हुए हैं पर अभी वो इतने वसाइल नहीं कि मैं आगे रिकॉर्ड कर कोई सुना सके आखिर में आप। मैंने अपनी माँ पे किया। मेरी माँ ही वो हस्ती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है, मेरी माँ ही वो हस्ती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है, सुनो लोगों सुनाऊं तुम्हें अपनी ज़ुबानी, थोड़ा गौर से सुनो ये है माँ की कहानी, दर्द की खाई ठोकर अपने बच्चों की खातिर, मैंने माँ से ही सीखा है मेहनत कर जिंदगी बेतानी, वो माँ ही है बच्चों की खातिर आंसू बहाती है, खुद भूखा रहना सीखा खाना बच्चों को खिलाती है, बेटा कोई किसी की यूं तकलीफें नहीं उठाता, बस माँ ही बच्चों की खातिर चमड़ी धूप में जलाती है, थक जाती है कमाती है पैसे बच्चों की खातिर, पर बच्चे मारे धक्के जब बारी बच्चों की आती है, माँ ही वो हंसती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है, मेरी माँ ही वो हस्ती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है, करो पैसे को सलाम छोटे दुनिया वाले कहते हैं, कभी माँ को नहीं पूछा पर खुद पेट भर के खाते हैं, पर माँ ने कभी तेरी तरह खुद को नहीं देखा, तुझे भूखा देख आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं, जब बच्चा नहीं सोता तो नींद माँ को भी नहीं आती है, बातें दुनिया की सुन के खुद को दिन रात रुलाती है, तेरे लिए
लिए वो रातें अपनी जाग जाग गुजारे, तुझे सूखे पे सुला के खुद गीले पे ही सो जाती है। माँ ही वो हंसती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है, मेरी माँ ही वो हंसती है जिसके हंसने से मेरे दिल की बस्ती बसती है। जी आसिम, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत टैलेंट है आप में, मुझे तो बहुत मज़ा आया, यकीनन आवाम ने भी इंजॉय किया होगा। आपके लिए दुआ गूँ कि ये जो टैलेंट है ये रिक्शे में ही कहीं ज़ाया ना हो जाए। और देखने वाले नाजरीन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक उभरता हुआ सितारा है। आपने इंडिया में देखा होगा बहुत सारे रॉक स्टार आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिंगर उनसे कहीं आगे हैं। इन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है। अगर आसिम को भी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो ये भी पाकिस्तान का अपना तो नाम रोशन होना ही है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकेगा। इस प्रोग्राम के हिसाब से आसिम का नंबर ही स्क्रीन पर आ रहा है, इसके साथ आप रब्ता कर सकते हैं, इसको प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।